नौकरशाही मीडिया पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बिहार विधानसभा के बाहर कांग्रेस के नेताओं ने, विधायकों ने प्रदर्शन किया और जोरदार तरीके से आवाज लगाई, नारे लगाए। उनका कहना था कि बिहार स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड में एक बड़ा घोटाला हुआ है और ये सरकार इस तरह के बार बार घोटाले कर रही है। छात्रों को न्याय देना होगा, बिहार सरकार हाय 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 हाय, बिहार सरकार हाय हाय, छात्रवृत्ति देना होगा, छात्रवृत्ति देना होगा, देना होगा, देना होगा। आजन हालांकि खुद बिहार सरकार ने किया था, जिसमें ये पता चला था कि हजारों की संख्या में निजी विश्वविद्यालय में जो विश्वविद्यालय बिहार से बाहर है वहां पे नामांकन कराए गए स्टूडेंट के और उनकी फीस की राशि की कई किस्त ले लिए गए। इस पर जब छानबीन की गई तो पता चला कि उन विश्वविद्यालयों में ऐसे छात्रों और इतनी छात्रों की का एडमिशन ले लिया गया जहाँ पे उनकी जो उपलब्ध सीटें हैं उससे ज्यादा छात्रों का एडमिशन लिया गया। खुद इस घोटाले को बिहार सरकार के अधिकारियों ने पकड़ा है और अब एक नियम बना दिया है कि उन्हीं विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ मिलेगा। जो छात्र अपना नामांकन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में कराएंगे। लेकिन जब ये चीजें, इस बात की खबर बिहार में के राजनीतिक गलियारे में पहुंची तो बंद करो, दलालों को प्रश्रय देना बंद करो, बंद करो, बंद करो, छात्रों को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा, छात्रों को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा, बिहार सरकार हाय 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 हाय, असल समस्या ये है कि इसमें वैसे छात्र भी पीछे जा रहे हैं जो जेन्युइन तरीके से एडमिशन लिया है जिन्होंने और जिनकी पढ़ाई हो रही है। ऐसे में उन छात्रों की छात्रवृत्ति भी रोक दी गई है, जिसकी वजह से उनके नामांकन पे और उनके कॉलेज से बाहर होने का खतरा बढ़ गया है। सरकार घोटालों की सरकार है और लगातार घोटाले हो रहे हैं। आपको बताएं कि इससे पहले सृजन घोटाला, टॉयलेट घोटाला जैसे दर्जनों घोटाले पिछले 2-4 सालों में सामने आ चुके हैं।